लापरवाही तो हुई। आप देखिएगा जो दृश्य था, वो दृश्य देख कर के ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है, ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा। नमस्कार, DNA न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ शिवांगी। ओडिशा रेल हादसे को लेकर ज्ञान भवन में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा, इतना बड़ा रेल हादसा हो गया और अभी तक यही नहीं पता चला कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार को अभी तक सजा नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दृश्य था वो दृश्य देख कर ही कलेजा फट जाता है। साथ ही ये दृश्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, इन सब ये दृश्य दिखाता है कि उनकी सरकार कितनी फेल्यूर है। साथ ही उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, इस वीडियो में देखिए आप। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। जो हुए हैं तो बिहार के भी लोग हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, सभी परिजनों प्रति जो है हमारी संवेदना है। और लापरवाही तो हुई है, आप देखिएगा जो दृश्य था वो दृश्य देख कर के ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है, ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है। और हालांकि ये वक्त राजनीति का नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी भी जो है तय होनी चाहिए कि वो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो है जांच टीम जो है शायद बन गई हो, लेकिन अगर नहीं बनी तो जल्द से जल्द जो है जांच टीम का गठन करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसमें हम लोग सब लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बिहार के लोगों को कितना क्या नुकसान हुआ है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम बैठे थे, सारी जानकारी जो है ली जा रही है और जानकारी लेने के बाद उसी हिसाब से बिहार सरकार ने भी कहा है कि कार्रवाई होगी। आप प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई सुनिश्चित होगी प्रधानमंत्री ने। देखिए, रेलवे से जुड़ाव जो है बिहार का पुराना रहा है, चाहे पासवान जी हो रेल मंत्री, लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, सब लोग रेल मंत्री यहाँ थे। और जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए, तो इसमें आगे समय देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। वो जो जिसकी जिम्मेवारी थी लोगों के जान माल का, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है भाजपा का ऐसा बयान। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।